सम्माननीय उपस्थिति का लाभ हमें आज मिल रहा है वे हैं उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर लुचिका डिटियो जी। इनके अलावा हमारे बीच उपस्थित हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अतिथिगण, राज्यों से आए हुए अधिकारीगण एवं अन्य टीबी हितधारक। इससे पहले कि आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें, मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत और अभिनंदन करने के लिए अनुरोध करता हूं। कृपया जोरदार तालियां बजाते रहें। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अब मैं स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री एवं स्टॉप टीवी पार्टनरशिप के अध्यक्ष डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को। वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को चरितार्थ करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, स्टॉप टीवी बोर्ड की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर लुसिका डिटियो जी, साथ ही वर्चुअल माध्यम से जुड़े राज्य के माननीय राज्यपाल एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीगण, कजाकिस्तान के माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अजहर गिनियत, ब्राजील के माननीय उप स्वास्थ्य मंत्री मिस एथेल लियोनोर नोका मैकियल, उपस्थित विशिष्ट जनों, दुनिया के अलग अलग देशों से आए प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों एवं देशवासियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी संस्कृति में अतिथि देव भव की बात की गई है। हमारे लिए मेहमान भगवान के समान है। मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज वर्ल्ड टीबी डे है। जब हम इस दिन की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर सबसे पहले इस रोग पर विजय पाने की कामना रखते हैं। इस मौके पर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि भारत में सालाना 24 लाख टीबी के केस पाए जाते हैं, जिसमें से करीब 93,000 लोगों की इस बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। इन सभी जिंदगियों को बचाने का प्रयास करते हुए वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश और दुनिया के सामने प्रतिबद्धता रखी थी कि वर्ष 2025 के अंत तक भारत को हम टीबी मुक्त करेंगे, जबकि पूरे विश्व ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत यह लक्ष्य 2030 का रखा है। भारत 5 साल पहले ही टीबी से निजात पाने की कोशिश में है। टीबी के उन्मूलन की दिशा में पिछले 8 सालों में उठाए गए कदमों के कारण हमें अच्छे परिणाम मिले हैं। इन प्रयासों में तेजी लाने हेतु हमने जन भागीदारी को
इस कार्य का हिस्सा बनाने पर विचार किया। दिनांक 9 सितंबर 2022 से लेकर 17 सितंबर तक पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हम सेवा सप्ताह मनाते हैं और तभी टीबी उन्मूलन के लिए भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने राष्ट्रपति महोदया को टीबी मुक्त भारत अभियान को लॉन्च करने का आह्वान किया था। भारत में हेल्थ को कभी कॉमर्स नहीं माना गया है, भारत में हेल्थ एक सेवा है और प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन को जोड़ते हुए हमने केवल आह्वान किया था देश के नागरिकों को, देश के जनप्रतिनिधियों को, राजनीतिक दलों को, गैर सरकारी संस्थाओं को, कॉरपोरेट संस्थाओं को, सब लोगों ने केवल 15 दिन में टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए, मरीजों को गोद लेने के लिए अभियान में सब लोग जुड़े। 15 दिन के अंदर 50,000 से ज्यादा निक्षय मित्र बन गए और जिन्होंने देश में 12 लाख टीबी मरीजों में से 10 लाख मरीजों को गोद लिया, जिन्होंने इसके लिए सहमति दी, आज लगभग 74,000 से ज्यादा निक्षय मित्र बन चुके हैं और टीबी के मरीजों के साथ तन मन और धन से खड़े हो गए हैं। यह एक क्रांतिकारी प्रयास है जिसे दुनिया के अन्य देशों को भी प्रेरणा मिलती है। निक्षय मित्र कार्य को सफल बनाने में राज्यों के माननीय राज्यपाल श्रीओ और राज्य सरकार ने भी बहुत सहयोग प्रदान किया है, उनको भी मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूं। हम निक्षय मित्र की रणनीति से मिल रहे सकारात्मक नतीजे देखकर अन्य रोग जैसे सिकल सेल एनेमिया, काला आजार और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस आदि के उन्मूलन के हेतु भी कार्य कर रहे हैं। मैं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप प्रतिनिधि मंडल का भी आज स्वागत करना चाहता हूं। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है कि इस कार्यक्रम को न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों के बीच भी टीबी से निदान के प्रति उनका ध्यान केंद्रित करें। हमने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल कोविड-19 के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी है। मुझे यकीन है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य समुदाय के साथ एकजुट होकर देश ही नहीं पूरी दुनिया में टीबी पर जीत हासिल करेंगे। विश्व टीबी दिवस पर मैं टीबी पीड़ित लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, अब की इस लड़ाई में समाज और माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। प्यारे दोस्तों, हमारे सौभाग्य है कि हम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के दर्शन यानी वसुधैव कुटुंबकम के साथ G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह विकास और मानवता के लिए कई राष्ट्रों के बीच विश्वास और एकजुटता को दर्शाता है। और अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी समेत सभी महानुभाव उपस्थित रहे हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आज के इस सम्मेलन में विश्वास व्यक्त करता हूं कि टीबी हारेगा, देश जीतेगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान एवं कोविड काल में भारत द्वारा टीबी के उन्मूलन के लिए किए गए कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताने के लिए आपका सादर धन्यवाद। अब हम ऑडियो विजुअल के माध्यम से राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के 4 स्तंभों यानी कि प्रिवेंट, डिटेक्ट, ट्रीट एवं बिल्ड के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों एवं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जैसी नई पहल के बारे में देखेंगे। पिछले 9 वर्षों में करोड़ों देशवासियों ने जन भागीदारी के सामूहिक सामर्थ्य से भारत को प्रगति और उन्नति की ओर निरंतर अग्रसर किया है। एक और अहम लक्ष्य की ओर
चल रहे हैं वही करोड़ों कदम, संग लहराने परचम टीबी मुक्त भारत का। जहां दुनिया ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2030 रखा है, वहीं भारत ने इस चुनौतीपूर्ण उपलब्धि को 2025 तक हासिल करने की ठानी है। ये लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के टीबी मुक्त भारत के संकल्प को बखूबी दर्शाता है। टीबी को जड़ से मिटाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश भर में एक व्यापक इकोसिस्टम का निर्माण किया है और टीबी उन्मूलन के मुद्दे को देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर महत्व प्रदान किया है। टीबी फ्री वर्ल्ड बनाने के लिए भारत हर देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए सहर्ष तैयार है। टीबी से लड़ाई में जिन भी देशों को फर्स्ट लाइन ड्रग्स, कॉमोडिटीज और टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत होगी, हम पूरी तत्परता के साथ उस देश का साथ देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम या NTEP को देश भर में लागू किया गया है। इसके अंतर्गत आधुनिक और दूरदर्शी नीतियों की मदद से देश को टीबी मुक्त बनाने की पहल सक्रिय रूप से जारी है। इस कार्यक्रम के तहत निशुल्क जांच और इलाज सेवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। भारत में निर्मित आधुनिक रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मशीनें जांच प्रणाली में सटीकता और अधिक गुणवत्ता ला रही हैं। सरकार द्वारा ऐसी 5,090 मशीनें देश भर की लैब्स में उपलब्ध कराई गई हैं। ये 2014 की तुलना में 12,000% से ज्यादा की वृद्धि है। बेहतर उपचार परिणामों के लिए विभिन्न नई कम अवधि वाली दवाओं को भी विकसित किया गया है। टीबी पीड़ितों की पोषण संबंधित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT द्वारा टीबी रोगियों को 500 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। 2018 से अब तक 80 लाख के करीब टीबी पीड़ितों को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता दी गई है। एक्टिव केस फाइंडिंग द्वारा टीबी के मामलों की खोज और उपचार में गतिशीलता आई है। 2,55,000 अतिरिक्त मरीजों का निदान हुआ है। टीबी से जुड़ी सेवाओं को देश भर के आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में भी उपलब्ध कराया गया है। भारत के देशवासियों ने टीबी को जड़ से मिटाने की जिम्मेदारी को दिल से अपनाया है। इसके परिणाम स्वरूप टीबी मुक्त भारत की मुहिम एक जन आंदोलन का रूप धारण कर चुकी है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत निक्षय मित्र योजना के तहत आम नागरिक भी टीबी पीड़ितों को सहायता प्रदान कर सकते हैं। अभी तक 71,000 से ज्यादा निक्षय मित्रों ने लगभग हर एक कंसल्टिंग टीबी पीड़ित की देखरेख का उत्तरदायित्व लिया है। ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के भाव का एक प्रमुख उदाहरण है। इन दूरदर्शी नीतियों के फलस्वरूप भारत को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में तीव्र बढ़ोतरी हो रही है। जहां विश्व भर में टीबी पीड़ितों की संख्या 11% से कम हुई है, वहीं भारत ने कई ज्यादा की कटौती दर्ज की है। 2022 में 2014 के मुकाबले 56% ज्यादा टीबी पीड़ितों को देश की स्वास्थ्य प्रणाली में दर्ज किया गया है। दुनिया को हमारा वादा है कि टीबी मुक्त भारत का ये जन आंदोलन इसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य अब दूर नहीं। मानवता के लिए प्रधानमंत्री जी का आह्वान, टीबी उन्मूलन के लिए जन भागीदारी का अभियान।